हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं वाब एडिमोज कर दी ट्रेंडिंग मीम्स फ्रॉम द चैनल मेमुको। भाई यार, मेरे को प्रोनाउंस भी नहीं करना आ रहा है। मेमुको ऐसे ही नाम चैनल का नाम है। तो इनके चैनल पे हम पहली बार ही आए हैं मीम्स देखने के लिए। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसा होंगे, क्या होंगे, कैसे एंटरटेनिंग मीम्स होंगे। सो लेट्स सी मेमुको के मीम्स आर गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। सो मिस्टर अनुभव, आप हमें ये बताइए कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? मैम, मुझे लगता है मैं आईएएस हूँ, मुझे बस वो माहौल नहीं मिल रहा है जहाँ मुझे बस काम स्टार्ट करना है अपना। अच्छा अच्छा, आपका मेंस में क्या स्कोर आया था? वो दिया नहीं मैंने। वेरी नाइस। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। आए तो क्यों? जोक सुनिए। मैं एक्चुअली ऐसे जोक्स नहीं सुनाता सर, मैं किससे सुनाता हूँ, अपनी लाइफ से इंस्पायर होके। तो आप शो पे आइए कभी, मैं सुना दूँ। अच्छा, तो मतलब आपकी लाइफ एक चुटकुला है? Guys, it's me, Eddie. कैसे हो आप लोग? ये वीडियो सिर्फ हंसाने के लिए बनाई गई है, इसे बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके बताना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ कहाँ गया? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताओ। भूपेंद्र जोगी। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी की मोहब्बत में तो वल्गैरिटी आ गई, जू महीने तक आ गई। अब आप देखो लड़का करे लड़की से आई लव यू, लड़की के लिए अच्छा जान दे सकते हो मेरे लिए? लड़का करे हाँ बिल्कुल, एक नन्नी सी जान दे सकता हूँ तुम्हें। एक मिनट, सुरवीन चावला, ये वही लड़की है ना लेट स्टोरी वाली? लेट स्टोरी वाली मैंने पूरी फिल्म देखी है। जैसे इसने लेट लेट के सीन दिए है ना, वो लेट स्टोरी थी। तो पापा वीडियो में देख रहे हो क्या? मैं कोई इंडिया टुडे वाला मैच देखो भाई, मैं भी उधर। ये मम्मी इधर देख। जी आप बताइए सर। बोलिए सर। आप बोलिए, मैंने क्या बोला? एंजॉय ले रहा बस पाकिस्तान। लास्ट में भाई यार बड़ा परेशान हूँ, मेरी बंदी में से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, खुशी नहीं है मेरे से। यार इस मामले में मैं ठीक हूँ यार, मैं और मेरी बंदी जब भी करते हैं ना तो वो हमेशा कहती है यार यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। सही है वाकई यार तेरा भी, पर वो तेरे को कंपेयर किससे कर रही है? Okay, which actor does Deepika look best with on screen? No, not you. What do you mean? No, someone else. Shah Rukh Khan. Okay. आप अपने आप को गुड लुकिंग समझते हो? नहीं। तो क्यों अपने आप को गुड लुकिंग नहीं समझते, क्या रीजन है? सामने वाला लगता है कि हाँ ये हमसे ज्यादा बेटर लग रहा है, आइदर वो उसने कपड़े अच्छे पहने, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। ठीक है समरिया, कोई लगता नहीं कि हमसे थोड़ा नीचे है, फिर इतना कुछ नहीं है, तो हमें लगता है हाँ हम गुड लुकिंग है। तो डिपेंड करता है हमारे पर्सपेक्टिव से कि हम सामने वाले को क्या देख रहे हैं, किस हिसाब से देख रहे हैं। तो मुझे मत देखो ना, अपने आसपास में देखो। प्रैक्टिस करके ऐसे छोड़ना यार। नोप। हाँ ये कर लो। वुमेन। अरे मैंने खट्टी टॉफी खाई है। बस जान लिया है आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? आपकी कुंडली में डीडी यानी दुद्दू दोष है। क्या दोष? हम एक रस्म करेंगे जिसकी वजह से दोष एकदम उड़ जाएगा, एकदम गायब। A few minutes later. ये दूध है, मैं आहा बोलूंगा तो ये आपको इसमें डालना है, ठीक है? हिंग छोंग सिंग छोंग छोंग इक छोंग उं आहा चुआ सिंग छोंग छिंग छोंग ब्रूस ली आहा। क्यों, किस लिए कर क्या रहे हैं? अरे बस ये मेरा चॉकलेट मिल्क जो था ये तैयार हो चुका है। फोटो से ज्यादा फिल्टर तो तुम्हारे फेस पे लगे हुए हैं। नाइस। थैंक यू। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस देख के भी मुझे रणवीर सिंह के कुत्ते की याद आ गई। रूम फ्रेशनर लगाया क्या? और तुम्हारे फेक सनग्लासेस अंदर स्टेशन? तुमने भी हर लड़की की तरह स्कूल और कॉलेज में टॉप किया होगा। ऑफ कोर्स यस। किस में? बंक मारने में? तुम्हें कैसे पता? जो लिपस्टिक के पीछे काले हो छुपा रही हो ना तुम, ये सब बताते कि तुमने किस में टॉप किया। सर वैसे मेरी भी ठीक ठाक फॉलोइंग। ठीक ठाक मतलब मेरे से ज्यादा है क्या? और नहीं तो क्या? तेरे कौन से फैन से भाई, तू है कौन?
would like to take notes while I take chunks of the mouth. बस अभी हो गया यार. वैसे अब मैंने सोचा अब मैं करूंगा तबूजी से शादी. कमी है मेरे से शादी करके आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं? पैसे कमाना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, मोहब्बत पाना चाहता हूँ. बट मेरे पास खुद पैसे नहीं है तो आपको क्या मैं. ये बात भी सही है. ये चांद बन रहा है मतलब किस्मत की रेखा पूरी हो रही है. एक बार हो गई ना शादी. ये ग्रहण है, ग्रहण ग्रहण बन रहा है. आपका विश्वास है कि एक दिन बलराज नाम का ये ग्रहण भी हमारे शो से निकलेगा. ये सही था. The first question, overrated actress or actor in the TV is. Overrated actor or actress? I think I can tell you the character, which is Tarak Mehta ka Ulta Chashma ki Daya Behn. टप्पू के पापा. I mean this is overrated. तू कौन है? उपेंद्र जोगी. इतनी भीड़ हमारे शो में आती, मन करता है उनके गले मिलूं. आपके पैर पड़ने का मन कर रहा है पता है? क्यों? मेरे को घुटने नहीं नजर आ रहे. क्यों, क्या होता है यार? ठीक है. नाम क्या है? मंगरू. मंगरू. अच्छा मंगरू, एक बात बताओ, अगर पैसे और प्यार में से किसी एक चीज को चुनना हो किसको चुनोगे? पैसे को. प्यार क्यों नहीं? पैसा क्यों नहीं? अरे क्या करोगे ऐसे पैसे का अगर कोई प्यार ही करने वाला नहीं होगा? गलतफहमी में हो मैडम आप, जब पैसा होता है तभी तो सब प्यार करने वाले मिलते हैं. गलतफहमी में तो आप है, वो आपसे नहीं आपके पैसे से प्यार कर रहे होते हैं. लेकिन इज्जत तो बराबर करते हैं. यहाँ बैठ के पता चला कि आपका नाम महेश है. जब आपके डायरेक्टर ने बोला महेश तो आप भी बहुत बुरा मत मानना. तो ऐसी कौन सी चीज है जो लड़के लड़कियों को देते हैं, लड़कियां लड़कों को देती हैं तो लड़के बहुत खुश होते हैं? तू समझा? गिफ्ट्स वगैरह लाइक. कौन पकड़ के लेके आया इसे? आप मुझे ऐसी कौन सी चीज दोगे जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी? हग. अरे कितनी औसम है. दे दो फिर यार एक हग. क्या मुझे यार खुश नहीं चाहते? आप क्या चाहते हो मैं खुश ना रहूं? नहीं नहीं. आपका आंसर यार वो करना चाहिए ना वो. नहीं ऐसा थोड़ी होता है. बताओ ना ऐसी कौन सी चीज है जो आप मुझे दोगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी और मुझे चरम सुख मतलब अच्छा लगेगा. तड़प ही है चरम सुख चाहिए तुमको. ले लो दे दो. ओके सही है. चलो साइड आप तो साइड है. मिली तो सही भाई, वो तो नसीब हुई बंदे. फिर भी वहां पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, एक हक तो मिली उसको. पता है ये सारे लड़के ना ऐसे 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 जुजुलबाजी करके लड़कियां मतलब एक हग एक किस एक वो ये मांगते हैं. उनसे दूर रहा करो, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को. हाँ नहीं तो यार मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है. मांगने तो अच्छे से लाइक लड़की को पहले पटा हो उसके बाद. या मीम्स तो सही थे लेकिन मतलब ऐसा एवरेज ऐसे नहीं थे लेकिन सही थे मीम्स. ये ऐसे मतलब फुल ऑन ऐसे एंटरटेन भी नहीं थे. ऐसा था कि यार भैया ऐसे मतलब चांस है, मे बी हम नेक्स्ट टाइम के चैनल विजिट कर सकते हैं मीम को. सो या That is it for today. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो प्लीज़ फॉलो दैट टू. थैंक यू.